अस्सलामुअलैकुम। सूदिया में रमज़ान के हवाले से आम अपडेट आपके सामने रखता हूँ। आफाक कमेटी बराए फलकियाती उलूम के सरबराह शरफुल सुफियानी ने सऊदी अरब में रोज़े के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना था कि इतवार के दिन 29 शबान है, उसके मुताबिक 10 मार्च को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे रमज़ान के हलाल की पैदाइश होगी। उनका मजीद ये कहना था कि मक्का मुकरमा के वक्त के मुताबिक इतवार को 6:27 पर सूरज गुरूब होगा, जबकि रमज़ान का चांद 13 मिनट तक उफक पर रहेगा। उनका कहना था कि ये सब कुछ फलकी हिसाब से किया गया है और फलकी हिसाब के मुताबिक सऊदी अरब में यकम रमज़ान पीर को होगा। और उन्होंने मज़ीद वजाहत करते हुए ये कहा कि ये चूँकि फलकी हिसाब है, रमज़ान के हवाले से जो हलाल का सबूत होता है वो सुप्रीम कोर्ट में गवाही अंदराज करने के बाद ही उसका बाकायदा ऐलान होता है। और उनका ये कहना था कि ज़्यादा जो अमकानात हैं सऊदी अरब में चांद के हवाले से, वो सोमवार को पहला रोज़ा होने के हैं।